नमस्कार न्यूज रूम लाइव को स्वागत कर स्मृति लग्ना परला खेमुंटी एसीएफ मृत्यु घटना सौम्यंकर आज जहां सूचना रही कार्यस्थल को जा तदंत कर पुलिस गत काली से रोथबा घर को जाइथिला पुलिस एवं मजिस्ट्रेट को उपस्थित रे ताला खोला जाइथिला आपण जानिछंती तांकर बापा मध्ये उपस्थित रहिथिले परिवार लोकन को उपस्थित रे से घर खोला जाइथिला किंतु घर खोला जिबा परे संदेह आहुरी अधिक दृढ़ीभूत होइछि। परिवार लोकन को कहबा कथा सौम्यंकु हत्या करा जाइछि, आकस्मिक भावरे तांकर मृत्यु होइनी, दुर्घटना जनित मृत्यु नहो, तांकु हत्या करा जाइछि, षडयंत्र करा जाइछि एवं पूरा प्लान सहित तांकु मर्डर करा जाइछि एवं परिवार लोकंकर संदेह आहुरी अधिक दृढ़ीभूत होइछि। जेतेबेले गत काली घर खोला गला सेतेबेले कोनसी जगारे नियार चिन्ह नथिला, कांथरे कळा नथिला, केवल सौम्यंकर पोड़ी जाइथिबा पोषाकर किछि चिन्ह देखिबाकु मिलिथिला। ए बाबदरे अधिक आलोचना करबा सौम्यंकर वकील पार्थ सारथी नायक आम सहित जोड़ी होइछंती। श्रीयुक्त नायक स्वागत करुछि आपनको अर्गस न्यूज को। वर्तमान संदेहर दिग कोन रहउछि एवं ए घटना को आपन केमिति देखुछंती? देखंतु आपण पूर्वर जहाँ कहिले जे से घर रे कोनोसी पोड़ार चिन्ह वर्ण ही नथिला, गत काली एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस साइंटिफिक टीम एवं सौम्यर बापा ता मामू भाई सांग एमानक समस्तक उपस्थित रे काली पुलिस डीएफओ ऑफिस रु चाबिकाठी आनी खोलिले। खोलला पर जहाँ आम देखिलु जे गोटे से घर जो जगार प्लेस ऑफ अकरेंस कह जाऊँगी से घर साइज हूँ 10 फुट रे 8 फुट। से घर भितर गोटे फोल्डिंग खट अच्छी, फोल्डिंग खटरे गोटे प्लास्टिक रो कभर अच्छी, कभर छिड़िकी तलक ओली गोटे प्लास्टिक चेयर थुआ गोटे प्लास्टिक डबा भितर मुढ़ी अच्छी, सेठी गोटे बेडरूम रो पर्दा जोटा कि गोटे पॉलिस्टर पर्दा ये सब जिनस अच्छी कितु ये जो प्लास्टिक जिनस गोटे निया धास बाजिला मात्र की से माने निया धासरे से पोड़ी जीवा कथा किंबा श्रिंक हो जीवा कथा सेमती किछि सुराग से घर भितर मिलला नाही। नंबर वन। नंबर टू, जदि गोटे लोक मनीष गोटे से घर भितर पड़ुची ताहले से निश्चित भाव से फ्लोर रे किछि कला रहिबा दरकार, कांथ देहरे कला हो जीवा दरकार, निया जो उठिब जाईके छात देहरे कला हो जीवा दरकार, इवन इफ छातरु जो अळंधु तळुकु खसीची सेथरे मध्ये कला धुआं जाकि रही कथा सेमती किसी से जगार किसी आभास नथिला। ताकु छाड़ी जेटी कहते से गोटे किरोसिन बोतल सीज हो डीआसिल सीज हो कि जदि से घर में किरोसिन पोड़ा जी था तेल कि मात्र किरोसिन स्मेल आसवा कथा कारण 12 तारीख सन्धार घटना 16 तारीख 4 बेले जो खोलुं पूर्व से घर बंद था किरोसिन स्मेल गोटे दुर्गंध आसवा कथा से घर से घर साइज बहुत कम एवं गत काली आमे विजुअल रे देखिथिलु छोटिया घर टे एवं घरे दुई जन अछंती जणंकर मृत्यु होची जने जळी पोड़ी पाउंस हो जाउछंती आरो जण को किछि पत्ता लागु नाही बा तांको किछि जणा पडु नाही किमिति ए कथा को सहज रे ग्रहण करि पारु नाहंती परिवार लोक। निश्चित कथा से कथा को परिवार लोक ग्रहण करि पारु नाहंती। मु जने आईनजी हिसाब रे एवं मोर जो एक्सपीरियंस अच्छी आकु हिसाब को नहीं कि मु भी मध्य निजे ग्रहण करि पारु नाही जे सही घरटा ही घटनास्थल जोटार कि सौम्यरंजन को हत्या करा जाउ किंबा आत्महत्या करंतु किंबा दुर्घटना हेतौ जहाँ भी हेतौ सेटा को मोटे ग्रहण करा जाई पारु नाही। जो कथा कहउछंती सौम्यरंजन को स्त्री जे एई जहा ए कथाटा सौम्यरंजन को स्त्री ही कहउछंती जे ई जगह घटनास्थल जने गोटे कथा आपण जानंतु गोटे साक्षी मिछ कथा कही पारे किंतु गोटे परिवेश सेटा मिछ कथा केबे कुहा कही पारिबो नाही। ये परिवेश रे पूर्ण स्टेटमेंट जे साक्षी मिछ कही पारे किंतु परिवेश केबे हेले मिछ कहे ना किछि प्रमाण मिले तो गत काली निश्चित भाव रे घर खोला हबा परे संदेह दृढ़ीभूत होईची। आज ऑफिस खोला जीव प्रथम कथा हेउची सौम्यंक पत्नी कहिथिले जे जदी मो ऊपर किछि अभियोग आसुची से अभियोग को मु खंडन करुची एवं सीसीटीवी फुटेज जांच करा जाउ, सीसीटीवी विजुअल पुलिस हस्तगत करू। अपर पक्ष आम जब देखा डीएफओ ऑफिस रे जो सीसीटीवी फुटेज लगी सीसीटीवी काम करू नाही एवं वर्षे रु अधिक समय धरी सीसीटीवी अचल वर्तमान पुलिस करिबो कोन आज जदि तांको कार्यालय खोला जीव तबे निश्चित भाव रे आउ किछि तथ्य हाथ रे लागी पारे ए आशा करा जाउची कि देखंतु सीसीटीवी रा कथा जो कथा आपण कहउछंती मु काली घटनास्थल परिदर्शन करथिली एवं सेठी
सीसीटीवी रो कोनोसी जगह रे सीसीटीवी सेठी लागि नाही जोटा कुहा जाउ छी घटनास्थल तांकर क्वार्टर सेठी कोनोस प्रकार सीसीटीवी लागि नाही जदी सीसीटीवी लागितिबो किछि ताले तांकर ऑफिस रे लागि थाई पारे किंतु जो ऑफिशियल क्वार्टर अछि से आखा पाखरे कोनोस जगह सीसीटीवी लागि नाही आउ से काम करूछि कि न करूछि से विषय मध्य मो पाहर किछि ज्ञान नाही मु आखिरे देखि छी सेठी कोनोस जगह रे सीसीटीवी ही लागि नाही ये है गोटे गोटे कथा गत काली रूम्र खानतलास कला बेले सौम्यर गोटे हाथ लेखा गोटे खाता मिली से कहे मुकर रेजिग्नेसन देदेवि मुठू ट्रांसफर होलईजी आउ स्वामी स्त्री भितर गोटे बिवाद विषय से खाता लिखुं ये सबको जदि आप मानने कंबाइनली जदि देखिए ताले निश्चित भाव ऑफिस रे कौन से ऑफिसर को बड़ प्रेशर थिला जो कि आइदर प्रेशर था कि आउ किसी था से जगार किंतु चाकरी छाड़ी दवा पई रेजिग्नेशन को भूमिका को नहीं काहे के प्रश्न छिड़ा होई छी काहे के तंको संदेह करा जाउ छी देखंतु सौम्य रंजन कर बापा एवं तांका परिवार लोक जहा कहउचंती टीएफओ जने अनमैरिड लोक अल्प वयसर लोक तांको सहित सौम्य रंजन पत्नी गोटे संपर्क थिला बोली कि से संदेह कर नंबर वन कथा नंबर टू कथा जो दिन सौम्य रंजन ए दुर्घटना जो हत्या हो कि आत्महत्या हो कि दुर्घटना हो जहाँ भी होता जो दिन हो ठीक से दिन ही डीएफ गोटे भोजीर आयोजन कर भोजीटा गोटे कन्स्पिरेसी एंगल को भी मध्य अंगुली निर्देश कर भोजी कहीं अरेंजमेंट कर भोजी में कलेक्टर थिबा अवस्था रे डीएफ पाखु टेलीफोन टे जाउची एबले गोटे घटना घटला बोलिकी तो सबुक जदि आपण कंबाइनली देखिबे ये घटना स्थल नुहे जो जगाडा सौम्य रंजन कर बासगुरु जो घटना घटला डीएफ सेही दिन भोजी आयोजन करथिले जहा को गोटे कन्स्पिरेसी एंगल हिसाब रे निया जाउची तेबे से भोजी रे किए किए जोग देथिले एवं जदि भोजी आयोजन करा जायथिला से भोजी को काहे के एते संदेह दृष्टि रे देखा जाउची सौम्यंकर बापा कौन कहउचंती जो कथा आपण कहिले जे सौम्यंकर बापांकर कहिबा कथा पूर्वरु डीएफओ को सहित तांकर पत्नीकर किछि संपर्क थाई पारे बोली से संदेह करउचंती सौम्य किछि कहिथिले कि तांको बापांको ए बाबत रे सौम्य तांको बापांको ए बाबत रे किछि कहिनाती किंतु तांको सांग माने जे माने क्लोज फ्रेंड स्कूल कॉलेज तां सहित पाठ पढ़ी आसुचंती लास्ट जेतले रज बेले सौम्य जाइचंती तांको गां को सेतबेले से सांग पाखे डिस्क्लोज कर फर्स्ट टाइम पे ये तांकर डीएफओ सहित स्त्रीर गोटे एमती संपर्क अच्छी आई जीवन बर्बाद हो जाए बोल कि से कथा सांग पाखे प्रकाश कर निश्चित भाव सांग प्रकाश कर जीवन बर्बाद हो जाए यह कथा बापा जानी से संदेह करे तो पत्नी संप्रति थे वर्तमान कहतु रोसैया भूमिका कौन आपण डीएफओ को कथा कहले सौम्यों पत्नी को कथा कहले रोसैया भूमिका कौन तांको कहीं संदेह दृष्टि रे देखा जाउची एवं तांको नारे मध्ये मामला रुजु होईची सौम्यर बापांकर जो संदेह अच्छी जे सही घरे रोसैया रोसई करतले आउ डीएफओ रेगुलरली आसिकी आंको घरे खाइवा पीवा करतले आउ एथरु नेकी तांको सौम्य रंजन पत्नी एवं डीएफ भितर गोटे संपर्क गढ़ी उठी आउ जोटा घटना स्थल ताकु देखिला परे गोटे संदेह सृष्टि ए जगार घटना घटी ना बाहर कौटी घटना को घटाई कि एठी आणी प्लांट करा जाइछि आउ एथरे एकाधिक लोकंकर संपुक्ति अच्छी गोटे लोक द्वारा एटा संभव नुहे तेणुकर यह सबको देखा गले रोसेयार भूमिका भी गोटे डाउटफुल अच्छी तार इनवॉल्व थिबार गोटे मानते संदेह प्रकाश होके जहाँ आपंट जे रोसैयार भूमिका को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होदेह दृष्टि देखा जाऊँगी जो दिन भोजी आयोजन से दिन घरे किए किए रही थे रोसैया घरे भोजी थी रोसैयार बयान अनुजाई सी आंक घरे रोसे कर गला ये घटना घटी अच्छा रोसैया बयान देछि जे घटना घटी जेतबेले रोसे करके से फेरी जाइछि तापर घटना घटी तार उपस्थित रे किछि घटना घटी नाही त
तबे निश्चित भावरे तीन जन को जेरा करा जिवो बोली सूचना रहुछि एवं हुए तो तापरे अधिक तथ्य सामना को आसी पारे किंतु साइंटिफिक टीम जाय आज सौम्यों को कार्यालय रे पहुंचिबो ता उपरे मध्य नजर रहिबो एक बाइट हस्तगत होईछि किछि प्रतिक्रिया उपरे नजर पकेबा घर उजल देखे कि सब किसी ना ये किसी जो दुर्घटना करी करछन पुड़ी मारी जाए जहाँ भितर किसी संपर्क ना सियाड़ मारिक आने की रखी आंबुलांस आठ रहा टाकी डिपार्टमेंट फरेस्टर कहते अर्ध घंटे रहा माइकिना घर भितर मुदा तो आने अर्ध घंटे लगे गला तेणु माइकिना संपर्क कमी कौन कह आम सब दिग्वर आम बर्तमान तदंत प्रक्रिया आरंभ कर आमर सब जो साइंटिफिक टीम गला सब दिग्वर आम अनुधान कर आम जो तदंत कर पत्नी जेहेतु से टीम से टीम गोटे गठन कराई से जब बारिपदा जी बारिपदा जामेसन कर घर कांथरे गोटे टीप मात्र कला ना घर जो झूल ओली अलंधु झूल जो ओलुची आटलिस्ट जदि गोटे किरोसीन पड़ी गोटे लोक मनीष पोड़ी कि मर ताल कि कला धूआ रही सेमती किसी आभास ना डेफिनेटली ये जगह घटनास्थल नुहे अन्य कौन सी जगह घटना घटे कि देखा जाटा ही घटनास्थल बोल कि ये हत्या आत्महत्या ना दुर्घटना एमती गुड़ाए प्रश्न सामना को आसुची एवं साइंटिफिक टीम तदंतर प्रक्रिया को आगो को नहीं किंतु गत काली सौम्यंकर घर खोलिबा परे जो घरे सौम्यरंजन रहुथिले से घर खोलिबा परे संदेह दृढ़ीभूत होई कारण परिवेश कहुची घटनास्थल या नुह तांकु हत्या करा जाइछि परवर्ती मुहूर्त रे तांकु आनी सेठारे रखा जाइछि कारण जो जगह रे निया लागितिबो सेठी कांथरे टिके हेले कळा तो लागिबो किंतु कांथरे आदो कोनोसी जळीबार चिन्ह पर्ण नाही केवल सौम्य पिंधितिबा पोशाक जळी जिबा परे किछिटा टुकडा सेठारे पडितिला जहा देखिबाकु मिलछि एवं पाकरे गोटे किरोसिन काचो एवं दियासिल थुआ होइतिला ताकु देखिके परिवार लोकंक संदेह आहुरी अधिक दृढ़ीभूत होइछि जे आमो पुओकु हत्या करा जाइछि अपर पक्षरे सौम्यंकर पत्नी हत्या घटना खंडन करुछंती एवं तांकर संप्रुक्ति घटना को मध्य खंडन करुछंती ए बाबदरे लगातार भावरे आपण खबर देखुछंती आम रिपोर्टर को पाखकु जिबा संतोष पाछनी जोड़ी होइछंती आम सहित संतोष पारिपार्श्विक स्थिति कहुछि जहां सौम्यंक वकील मध्य कहुथिले साक्षी मिछ कहि पारे किंतु परिवेश केबे हेले मिछ कहेना पारिपार्श्विक स्थिति कहुछि सौम्यंक हत्या करा जाइछि काली जेतेबेले कबाट खोला गला आपण मध्य उपस्थित थिले कोन थिला पूरा घटना जदि आम कह तो निश्चिंत भाव तीन करी चलती बर्तमान पर्यटन चलती जहां देखिए तदंत प्रक्रिया आते मैंने शीघ्र हम तदंत आगे बाहर ये तमें जी ये हूँ हत्या ना आत्महत्या ना चाकू हत्या कराई से बाबद तदंत निश्चिंत भाव मैंने आगे जीवा दरकार अच्छे और सठिक रास्तार जीवन आगे आम तक घर में आम हम कस्तुक थाना भेड़ घर पाखे निश्चय समस्ते से आशा रखुचंती जे सौम्यंक डेथ मिस्ट्री उपरु परदा हटु बहुत बहुत धन्यवाद संतोष समस्त अपडेट पाई परवर्ती मुहूर्त में जारी रहिबो आलोचना एवं समय होची छोटिया ब्रेक रो परिवार न्यूज रूम लाइव को सौम्यों मृत्यु केमी है ताकु नहीं चर्चा आरंभ होती अपर पक्षे पर लोकों अभियोग जे पुओ को हत्या करा जाई एने सौम्यों वकिल पार्थ सारथी सहित आम आलोचना करुच्छू फेर श्रीजुक्त पार्थ सारथी नायक पाखक श्रीजुक्त नायक आप घटना घटा पर सौम्यों पत्नी रोसैया और डीएफओं जहाँ स्टेटमेंट रही तालमेल रोचे कि देखो जदि घटना स्थल को आम देखा तो सेमाने संपूर्ण भाव में मिछ कथा कहते बोलिक बुझे पड़ो मुझे कथा पूर्व कहली वन व्हाइट विटनेस में लाए बट दि सर्कमस्टेंस डज नॉट तो आपको यदि आम ये जो थियोरी को यदि आम धरवा तो डीएफओ रोसैया एवं पत्नी एम संपूर्ण भाव में मिछ कथा कहते धरवाक पड़ो एवं पुलिस प्रॉपर्ली इंटरोगेशन कले सत्य सामना को ही आस निश्चित भाव में पुलिस इंट्रोगेशन प्रॉपर्ली हेले सत्य सामना को आसिबो बोले आपण कहउछन्ती एवं एमानकर
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ସବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ବିଶେଷ କରି ଡିଏଫଓ ରୋଷେୟା ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ, ଆକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କେହି ବି ଜଣେ କହିପାରିବ ଇଏ ଜାଗା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ଜାଗା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଘଟଣାସ୍ଥଳ, ସେମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ତ ପୋଡ଼ି ହେବାର କିଛି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଆପଣ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଠି ପୋଡ଼ି ହେଇଛି ବୋଲିକି, ତାମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଓକେ, ଜଳି ଯାଇଥିବା ଘରରେ ଟିକେ କଳା ହେଲେ ଲାଗି ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ସେଇଟା ହିଁ ସନ୍ଦେହକୁ ବଢ଼େଇଛି ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥାଇପାରେ। କାରଣ ସେ ଘରେ ଯେଉଁ କଥା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ରୋଷେଇ ମାନେ ଘରୁ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲାବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ। କାରଣ ସେ ଘରରେ ଜଳିବାର କିଛି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଏତିକି ଛୋଟ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଫ୍ଲୋର୍‌ରେ କଳା ଚିହ୍ନ ରହିବ, କାନ୍ଥରେ କଳା ଚିହ୍ନ ରହିବ, ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ସିଏ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ିଯିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ନିଆଁ ନ ଲାଗିଲା ନିଆଁ ଧାସରେ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ରିଙ୍କ ହେଇଯିବ। ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଡବା ଥୁଆ ହେଇଛି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେପରି କିଛି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେପରି କିଛି ନାହିଁ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସବୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ଘରଟା ହିଁ ଆଦୌ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏକଥା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିପାରେ। ଦେହ ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଛି। ମୃତଦେହର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ବା କ୍ଲାରିଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୌମ୍ୟର ଘର ଲୋକ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଘଟଣା ପରେ ସୌମ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପାରଲା ଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉଛି ପାରଲା ଖେମୁଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲ, ପରେ ବରହମପୁର ହସ୍ପିଟାଲ। ବରହମପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଏଠୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉଛି ଭାଇଜାଗ ବିଶାଖାପଟନମ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପାରଲା ଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ 350 କିଲୋମିଟର କଟକକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସିନ୍ସିୟରଲି ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, କୌଣସି ବି ପରିବେଶରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଆଇଦର ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉ କି ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହଉ, ତ ଯଦି ଏ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଖ ଯେଉଁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେଠି ତାକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ, କଟକକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଗଲା ଏତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଉଛି, ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ଅଟକା ଯାଇଛି, ଅଟକେଇକି ଜଣେ ପୋଲିସ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ, ସେ ଏ ଥାନାର ନୁହେଁ, ପାରଲା ଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଥାନାରେ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଫିସର, ସେ ଗାଡ଼ିକି ଅଟକେଇକି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଗାଡ଼ିକି ଅଟକେଇଥିଲେ ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ସେ ମହିଳା ଅଫିସର ଯେଉଁଟା ବି ଭିଜୁଆଲରେ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବେ କାହିଁକି ସେ ଗାଡ଼ିକି ଅଟକେଇକି ସେ ଚିକିତ୍ସା ନକରିକି ଗାଡ଼ିକି ଅଟକେଇଥିଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକେଇଥିଲେ। ତ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ
एक कन्स्पिरेसी ए बासना आसुछि एक षड्यंत्र होइछि सौम्यंक विरुद्ध रे एवं तांकु बंचेबा पई आदौ चेष्टा करा जाय नाही। अपर पक्षे से गुरुतर थिबा बेले हॉस्पिटल नेबा समय रे मध्य रास्ता रे गाड़ी को अटका जाइछि जहां सबुठो अधिक संदेह को सामना को आणुछि। ता सहित गतकाली घर खोलिबा बेले जो चित्र सामना को आसिला कांथरे टिके हेले कळा लागि नाही पारिपार्श्विक स्थिति कहुछि एहा संपूर्ण भाव रे हत्या एवं ये घटनास्थल नुह आउ एक जगह रे तांकु पोड़ी दिया जाइछि तापरे घर कोणा जाइछि। परिवार लोक ए अभियोग आणिबा परे अपेक्षा रहिब सौम्यंक पत्नी डीएफओ एवं रोसेयांकु पचराउचरा करिबा परे कोन तथ्य सामना को आसुछि। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त पार्थ सारथी नायक कार्यक्रम रे जोग देथिबारु एवं आपनकर मत रखिथिबारु। समय होइछि न्यूज रूम लाइव को एठ रखिबा। नमस्कार।